एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं रोने धोने वाली वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबरों ने बोला है कि दीदी प्लीज़ आप रोया मत करिए। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगते हैं, तो आंसू अपने आप ही निकल जाते हैं। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने मुझसे बोला है कि दीदी आप अपनी मैरिज की चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा और आपका भी दिल हल्का हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर अंदर उन चीज़ों के बारे में सोचते हो तो आप अंदर से एकदम से टूट से जाते हो, तो प्लीज़ हम लोगों के साथ वो शेयर कीजिए। तो मेरा मन भी करा कि हाँ, कि हम लोग ना अगर किसी चीज़ को शेयर करते हैं ना, तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और हमें अंदर से खुशी सी होती है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ आज अपनी मैरिज की कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ, जो शायद मैंने बहुत टाइम बाद आज खोली हैं और आज आप लोगों की वजह से ही खोली हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए खोली हैं। एक ऐसी चीज़ है जो हर औरत के लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा मेन होती है, पूरी तैयार होने के बाद भी औरत शायद उस चीज़ के बगैर अधूरी होगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि इस चीज़ को हटा दो, पर मैंने हटाया नहीं कभी भी, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे से दूर हो ही गई थी एक तरीके से। 10-11 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इस चीज़ को हटा दो, इस चीज़ को हटा दो। बहुत सारी चीज़ें मैंने हटा भी दी थी, लेकिन एक चीज़ थी जो सच में मेरा बिल्कुल भी हटाने का मन नहीं करा, तो आज मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करूँगी। सच में कभी कभी सोचती हूँ कि चीज़ आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो ये मैंने आज काफ़ी टाइम बाद निकाली है अलमारी में से, मुझे खुद भी ध्यान नहीं है मैंने इसको लास्ट टाइम कब देखा था, तो देख सकते हैं आप इसे। मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि इसको हटा दो, इसे रखते नहीं हैं, पर मेरा मन नहीं करा इसको हटाने का बिल्कुल भी। मैंने कहा जब तक मैं रहूँगी तब तक ये उनकी निशानी मेरे साथ रहेगी, और इसके जो मोती हैं वो नहीं है इसमें, ये एक पर्स में रखा हुआ था, इसकी चैन टूट गई थी, तो ये मोती उस जो इसके काले वाले मोती होते हैं वो निकल निकल के सारे बिखर गए। तो फिर जब वो मोती निकल गए तो मैंने इसको एक डिब्बी में पैक करके रख दिया था, बहुत पहले मैंने पैक करके रख दिया था, इनके ख़त्म होने के बाद की बात है ये, तो तब इतना होशो आवाज़ भी नहीं रहता था। तो ये कुछ ऐसा था, और कहते हैं कि अगर इसको हम गले में डाले रहते हैं तो हस्बैंड की आयु लंबी होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कहावतें हैं, सब झूठ है। और ये इसमें पड़े हुए थे मोती, ये इन्होंने मुझे अपने हाथों से पहनाया था, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसमें, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने निशानी के तौर पे रख रखा है ये, मेरे लिए उनकी बहुत अच्छी निशानी है ये, बहुत अच्छी सच में। ये मेरा पहला ही मंगलसूत्र है, मैंने कोई दूसरा मंगलसूत्र नहीं बनवाया था, 3 साल तो वो मेरे साथ रहे ही थे, मैंने इसी को पहना था, और बस यही है। और मैं भी आपको और भी चीज़ दिखाती हूँ अपनी शादी की। तो मैंने आपके साथ अपनी छोटी सी अपने हस्बैंड की निशानी शेयर करी है, और मेरे पास गोल्ड में और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे जो ससुर जी हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो यहाँ से जो भी मेरे चढ़ाए में गोल्ड चढ़ा था, तो जब ससुर जी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो हमको वो सारा गोल्ड बेचना पड़ा था, और वो सारा गोल्ड उन्हीं के पास था, उन्हीं ने बनवाया था, पर आदमी ज़्यादा मैटर रखता है, गोल्ड मैटर नहीं रखता है, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी और उस टाइम पे हमारे पास इतना कैश भी नहीं था, तो हमने जो भी गोल्ड मेरी शादी में चढ़ा था यहाँ से जो बनाया गया था गोल्ड, वो सारा ही गोल्ड हम लोगों को बेचना पड़ गया था उनके इलाज के लिए, तो और थोड़ा बहुत कर्जा हो गया था तो उसको उतारने के लिए हमें सारा गोल्ड बेचना पड़ गया था। कोई बात नहीं, पर पापा तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आज आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ मैं, ये है मेरी शादी की सीढ़ियाँ। मैंने इनको सिर्फ जब वो थे तभी देखा था, उसके बाद मैंने इन्हें दोबारा कभी भी नहीं देखा कभी भी, क्योंकि मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती और ना ही जुटा सकती हूँ कि मैं उन्हें चलते फिरते इस सीढ़ी में देखूँ। मैंने उसके बाद कभी भी ये सीढ़ियाँ नहीं देखी हैं, लेकिन मैंने रख रखी हैं। कई बार मेरा मन करता था कि मैं इन्हें तोड़ ताड़ के फेंक दूँ, लेकिन अभी तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ फ़ोटोएँ शेयर की थी, बहुत हिम्मत करके फ़ोटो शेयर की थी। पता है आपको, 4-5 साल तक तो मैंने अपनी शादी की एल्बम बिल्कुल भी नहीं देखी थी, बिल्कुल भी। मैं अंदर से इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाती थी कि मैं अपनी शादी की एल्बम को देखूँ,
मेरे अंदर से इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपनी शादी की एल्बम को देख सकूं, मतलब उन चीज़ों को फेस कर सकूं। रोंगी नहीं, इमोशनल नहीं होंगी बिल्कुल भी, क्योंकि इमोशनल नहीं होना मुझे। और आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, ये 3 सीडियाँ हैं। और मैं अब मेरा मन कर रहा था कि मैं ये सीडियाँ अब जो डीवीडी वगैरह होती हैं उसमें चलती हैं, अब डीवीडी वगैरह तो है नहीं, उसमें तो चलेंगी नहीं है, बट मैं इसकी जो है ना वो पेन ड्राइव में डलवाऊंगी, और अगर हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इतनी हिम्मत में जुटाऊंगी कि मैं खुद भी देखूं। लेकिन सच में मैंने ये जो ये सीडी है ये तभी देखी थी उन्हीं के सामने। उसके बाद आज मुझे कम से कम 13 साल हो गए होंगे, 12-13 साल हो गए होंगे मैंने इन सीडियों को नहीं देखा है, मैंने उन्हीं के सामने ही देखी थी ये सीडियाँ। तो और मैं आप लोगों को और चीज़ें दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये काली हो गई हैं लेकिन ये बहुत अच्छी हैं। ये पता है क्या है, ये है परी की पायल। जब परी छोटी थी, जब परी पैदा हुई थी, तो ये मेरे पापा ने दी थी, और ये मैंने बहुत संभाल के रख रखी हैं। बच्चों की चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए ना, तो ये मैंने बहुत संभाल के रख रखी हैं। और आपको दिखाऊं, ये हैं परी के कड़े छोटे छोटे से, मैंने बहुत संभाल के रख रखे हैं। और देखो, और चीज़ें दिखाती हूँ मैं आपको, ये परी के कड़े हैं, और ये हैं शोरू के कड़े। ये शोरू छोटा सा था, शोरू ने ज़्यादा पहने नहीं हैं ये। और एक जोड़ी कड़े तो ना, जब परी छोटी थी ना, तो परी की एक जोड़ी पायल और एक जोड़ी कड़े, जब इसके पापा ख़त्म हुए थे ना, तो मतलब उस टाइम पे सभी लोग इसको लेके जा रहे थे, तो एक जोड़ी कड़े तो परी के किसी ने हाथ में से मतलब निकाल लिए थे, अब पता नहीं है, दोनों हाथों के कड़े निकाल लिए थे। और ये हैं शोरू के कड़े, मैंने कितने संभाल के रख रखे हैं। और ये हैं शोरू की हाय, और वो होते नहीं है जो ओम वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं ये, और एक सोने का ओम भी था, ये सब चीज़ें पापा ने भिजवाई थी, एक सोने का ओम भी था। पर वो शौर्य ने, शौर्य बहुत शैतान था छोटे पे, तो उसने वो चबा चबा के सारा ख़त्म कर दिया, मतलब चबा चबा के उसको टेढ़ा मेढ़ा, मतलब उसको वो झड़ झड़ के सारा गिर गया। तो ये मैंने आज आपके साथ छोटी छोटी कुछ यादें अपनी शेयर करी हैं। और ये परी की दूसरी पायल है, ये परी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, ये अभी 4-5 साल पहले की पायल है, पर ये भी उसके पैर में अब छोटी हो गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ पैसे मिला के परी को ना एक नई पायल दिलवा दूँ। पर ये वाली जो पायल है ना, ये वाली जो ये चीज़ें हैं, ये नहीं हटाऊंगी मैं, इनको रखूंगी मैं, क्योंकि बच्चों की चीज़ें रखते हैं ना निशानी के वास्ते, और ये इसके पापा के सामने की हैं, और ये मेरे पापा की दी हुई निशानी है, तो इस वजह से इन्हें तो मैं हमेशा रखूंगी अपने पास हमेशा। तो और ये भी मेरे पापा ने ही दिलवाई थी मुझे, ये मेरे पापा ने दिलवाई थी मुझे, ये मेरे पापा की दी हुई है। ये अच्छी लग रही है ना, पतली पतली सी, पर मैं पहनती नहीं हूँ इन्हें। और ये पता है, रखे रखे काली हो जाती हैं, ये चांदी की है ना, तो ये रखे रखे काली हो जाती हैं। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीदी आप अपने गोल्ड का कलेक्शन दिखाओ, मेरे 3-4 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि दीदी आप गोल्ड का कलेक्शन दिखाओ, तो डियर मेरे पास गोल्ड में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जो मेरे शादी में जो यहाँ से गोल्ड में जो भी चीज़ें गई थी, वो मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो हम लोगों को वो बेचने पड़ गई थी, तो इस वजह से मेरे पास गोल्ड का कुछ भी नहीं है, बस यही थोड़ी बहुत 2-4 चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए किया कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट हो सके, मेरे बच्चों को सपोर्ट हो सके। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि दीदी आप इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, आप इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और थोड़ी खुशी भी होगी कि आप लोग मतलब मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो चलते हैं, और अपने अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और मास्क लगा कर रखिए। और आप लोगों के कहने पर देखो, आज मैं बहुत हंसी हंसी से वीडियो बना रही हूँ, खुशी खुशी हूँ ना आज मैं। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय।